वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्किल सृष्टि यह वीडियो क्लास ट्वेल्थ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यूनिट नंबर टू मैनेजमेंट पर है अगर आप यूनिट नंबर टू तैयार कर रहे हैं प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि सेल्फ मैनेजमेंट चैप्टर को हम कैसे एज कर सकते हैं और आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं तो स्किल जो सब्जेक्ट है जितने भी स्किल सब्जेक्ट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो कॉमन है विच मीन्स इट इज गोइंग टू कम इन टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर इट मेरा नाम है सृष्टि पीजीडीएम सीसीबीएम बीटेक बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनली आई एम अ मास्टर ट्रेनर सर्टिफाइड बाय एन एस डी सी एंड एम एस सी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके सेशन ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले मैं बात करूंगी सेशन ऑब्जेक्टिव्स की इस सेशन में आप क्या सीखेंगे पहला है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मीनिंग तीसरा है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन फोर्थ है रिजल्ट ओरिएंटेशन एटीट्यूड फिफ्थ है स्मार्ट गोल सेटिंग एंड सिक्स है पर्सनैलिटी रेट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में आप समझेंगे इसी वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है नंबर वन इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं यानी कि खुद पर नियंत्रण एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस जब हम अलग अलग सिचुएशंस अलग स्थितियों में अपने इमोशंस को अपने विचारों को और अपने व्यवहार को कंट्रोल कर पाते हैं तो उसे हम कहेंगे सेल्फ मैनेजमेंट एग्जाम्पल है मोटिवेटिंग वन सेल्फ एंड वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड एकेडमिक गोल्स जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं और हम पर्सनल और एकेडमिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हम सेल्फ मैनेजमेंट ही कर रहे हैं नाउ वट आर द थ्री थिंग्स दैट वी कैन डू टू मैनेज आवर सेल्फ वेल ये क्वेश्चन आ सकता है तीन वो क्या चीजें हैं जिन पे हम काम करके अपने ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट पा सकते हैं फर्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग सेकंड है रिजल्ट ओरिएंटेशन एंड थर्ड है सेल्फ अवेयरनेस चलिए इन तीनों टॉपिक्स को हमें डिटेल में समझना है नंबर वन टॉपिक इज पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन आप अगर एनसीईआरटी की बुक साथ में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है अगर आप उसको साथ में लेके बैठे हैं पढ़ने के लिए दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू बिकॉज आप काफी कुछ रिलेट कर पाएंगे जब आप इस वीडियो के बाद अपनी बुक पर आएंगे अपनी बुक को पढ़ेंगे ठीक है

एटीट्यूड, रिफ्लेक्टिंग होप लीडिंग टू डिजायरेबल कैन लीड टू पॉजिटिव चेंजेस एंडल आउटकम्स यानी कि ऑप्टिमिज्म एक मेंटल एटीट्यूड है हमारा जो हमारी बिलीफ को दर्शाता है हमारी आशाओं को रिफ्लेक्ट करता है और जिससे हम डिजायरेबल आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं ऑप्टिमिज्म अगर होगा तो पॉजिटिव चेंजेस भी लाइफ में आएंगे सेकेंड मोटिवेशन मोटिवेशन जो शब्द है दैट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव मोटिव से डिराइव किया गया है दस डायरेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन मोटिव और गोल इज एसेंस ऑफ मोटिवेशन अगर आप अपने गोल या अपने मोटिव के टुवर्ड्स अपना बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे हैं तो वही है एसेंस ऑफ मोटिवेशन यानी कि जो मेन उसका जो ओरिजिन है या फिर जो उसका ओरिजिनल इम्पॉर्टेंस है ये समझ लीजिए एसेंस से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में दो तरह के मोटिवेशन होते हैं इंट्रेंसिक मोटिवेशन और मोटिवेशन क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आ सकता है तो ध्यान से सुनिए मोटिवेशन मतलब नो अपेरेंट रिवॉर्ड जब आपको कोई काम करने के लिए कोई ऐसा खास रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता है तो वो इंट्रेंसिक मोटिवेशन से आप काम कर रहे हो इंटरेंसिक मोटिवेशन में ये होता है कि उस कार्य को करने के लिए आप इंजॉयमेंट सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर आपको मिलेगा बिकॉज वो इंटरनली आप मोटिवेटेड हो वो काम करने के लिए इंसेंटिवस कैन सेटिसफाई वंस नीड्स इंट्रेंसिक मोटिवेशन में अगर इंसेंटिव दोगे तो वो नीड्स को सेटिसफाई कर सकता है एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन में ऑन दी अदर हैंड इंसेंटिव या एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करता है इसका मतलब अगर आपको किसी से कोई कार्य करवाना है या खुद से कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कोई इंसेंटिव या कोई एक बड़ा एक्सटर्नल रिवॉर्ड जिसको देख करके आप सोचें कि ठीक है अब मैं इस काम के लिए प्रेरित हो रहा हूँ या फिर इंस्पायर हो रहा हूँ या इंसेंटिव आपको नहीं मिल रहे उस काम के लिए तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन के लीड कर सकता है तो ये बेसिक डिफरेंस है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में इंट्रेंसिक को आप रिलेट कर लीजिए इंटरनल से और एक्सट्रेंसिक रिलेट कर लीजिए एक्सटर्नल नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में नंबर वन इट मेक्स अ पर्सन हैप्पियर अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो डेफिनेटली वी विल बिकम मोर हैप्पी सेकेंड इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स अगर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है पर्सनल प्रोफेशनल या फिर मेंटेन करना है उसके लिए आपको चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड थर्ड इज बेटर डिसीजंस अगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो हम बेटर फैसले ले पाएंगे अपनी लाइफ के लिए फोर्थ पॉइंट इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पॉजिटिव एटीट्यूड होने से हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ जो कि हमारी बॉडीली हेल्थ है और हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ है दोनों इम्प्रूव होता है एटीट्यूड uh, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए नंबर वन इज मॉर्निंग रूटीन पॉजिटिव एफर्मेश अगर हमारा मॉर्निंग रूटीन है तो डेफिनेटली हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन कर सकते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन अफर्मेशन क्या होता है अफर्मेशन मीन्स खुद को ये रि करना याद दिलाना रिमाइंड करना कि हम कोई काम कर सकते हैं मैंने आपने एग्जाम्पल दिया अफर्मेशन का आई एम कॉन्फिडेंट केपेबल एंड स्ट्रांग कई बार हम अफर्मेशन को ना अपनी डायरी में भी लिख लेते हैं क्योंकि जब हम अपने अफर्मेशन को बार बार पढ़ते हैं विजुअलाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है तो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने से या फिर रिपीट करने से और मॉर्निंग रूटीन बनाने से ये वन ऑफ द वेज है पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हैं आई बिलीव इन माई एबिलिटीज एंड ट्रस्ट माई इंट्यूशन ये भी एक तरीके का पॉजिटिव अफर्मेशन है सेकेंड पॉइंट है टू डू लिस्ट टू डू लिस्ट यानी कि जो भी आपको काम करना है एक दिन के अंदर आप उसकी लिस्ट बनाइए चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली बनाइए या फिर आप उसको मैनुअली बनाइए लेकिन टू डू लिस्ट बनाने से पॉजिटिव एटीट्यूड आप इंप्रूव कर सकते हैं तीसरा है प्रो एक्टिव एंड मोटिवेशनल म्यूजिक डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को म्यूजिक से मोटिवेशन मिलता है और उनका दिमाग जो है वो प्रो एक्टिव हो जाता है फोर्थ है सोल्यूशन अप्रोच वर्सेज प्रॉब्लम अप्रोच देखिए दो तरह के अप्रोच हम अडॉप्ट कर सकते हैं या तो आप सोल्यूशन अप्रोच रख सकते हैं या फिर आप प्रॉब्लम्स अप्रोच रख सकते हैं इनमें डिफरेंस ये है कि जब हम सोल्यूशंस अप्रोच रखते हैं तो हम सोल्यूशंस के टू ज्यादा ध्यान देते हैं वर्सेस जब हम प्रॉब्लम्स अप्रोच सोच रहे हैं तो हम प्रॉब्लम ज्यादा सेंटर्ड होते हैं प्रॉब्लम को बहुत हाईलाइट करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा अप्रोच को अडॉप्ट uh, कर रहे हो तो ये भी एक वे हो गया फिफ्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम फेलियर्स अपनी फेलियर से जब हम सीखते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है इंप्रूव होता है सिक्स पॉइंट है फोकस ऑन प्रेजेंट अभी जो चल रहा है लाइफ में उस पर फोकस करने से पॉजिटिव एटीट्यूड इंप्रूव हो सकता है सेवन पॉइंट है मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स अपने गोल्स एंड ड्रीम्स के टूवर्ड्स मूव करने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है एंड द लास्ट पॉइंट इज बी चेयरफुल वर्क हार्ड चेयरफुल यानी कि खुश रहिए एंड वर्क हार्ड मीन्स मेहनत कीजिए अगर आप खुश रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी और एटीट्यूड में भी चेंजेस आपको दिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके हाउ यू कैन इंप्रूव योर पॉजिटिव एटीट्यूड नाउ वट आर द टेक्निक्स फॉर पॉजिटिव आउटलुक टेक्निक्स क्या है टेक्निक्स अगर पूछा एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी प्रकार की या एंड फ्रेश एयर ये एक टेक्निक हो गया सेकेंड टेक्निक है हेल्दी डाइट हेल्दी डाइट मीन्स वट एवर यू आर ईटिंग वट एवर इज ऑन योर प्लेट शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिशन थर्ड पॉइंट इज एकेट ये भी एक टेक्निक लाइफ मैनेजमेंट मीन की आपकी जो एकेडेमिक लाइफ चल रही है स्कूल में अभी क्योंकि आप क्लास ट्वेल्थ में हो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो बाईड आप अपने नोट कैसे ऑर्गेनाइज करते हो आपको जो मैडम क्लास में क्वेश्चन देती है असाइनमेंट देती है हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ देट तो दैट विल कम अंडर एकेडेमिक लाइफ मैनेजमेंट फोर्थ पॉइंट इज स्लीप स्लीप मिनिमम सेमिनर्स मिनिमम सेवन आवर्स की स्लीप हमें फ्रेश और ऑप्टिमम लेवल पे काम करने के लिए अलाउ करती है फिफ्थ पॉइंट है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम करना टाइम स्पेंड करना भी इंपॉर्टेंट होता है और इससे भी पॉजिटिव आउटलुक आता है नाउ फोर्थ इज स्ट्रेस व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट अनॉयड एंड होपलेस जब हम बहुत अपसेट हो जाते हैं या अनॉयड हो जाते हैं या होपलेस हो, हो जाते हैं तो उस स्थिति को उस स्टेट को हम स्ट्रेस कह सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं चार पॉइंट्स लिखे ठीक है इन्हें याद रखना फर्स्ट पॉइंट है स्टे पॉजिटिव पहली बात है पॉजिटिव रहिए अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है क्योंकि मैं पॉजिटिव आउटलुक के बारे में ही बता रही हूं तो ये एक तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सेकंड पॉइंट है अकम्पलिशमेंट शीट ट शीट मतलब एक ऐसी शीट बनाइए जिसके अंदर आप लिखेंगे कि आज आपको कौन कौन से टास्क करने हैं और जब आपने वो टास, टास्क स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप उसको टिक लगा के उसको ओके okay कर सकते हैं थर्ड इज थॉट्स इन प्रेजेंट अभी जो आपके प्रेजेंट थॉट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए उससे स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा एंड द फोर्थ पॉइंट इज मेडिटेशन एंड योगा इफ यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन इफ यू कैन प्रैक्टिस योगा दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मैनेज स्ट्रेस विदाउट एनी डाउट आई होप हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इज फिट फॉर यू इन केस यू हैव एनी इशूज यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स रिगार्डिंग द लैंग्वेज इश्यूज यू आर फेसिंग एनी मैं ट्राई करूंगी उसको रिजोल्व करने की अब आते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन पे रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब है रिकोगनाइजेज एंड अचीव इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जब भी हम कोई भी काम करें एफर्ट्स डालें हमें यह देखना है कि वो एफर्ट्स हमें किसी रिजल्ट के टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं कि नहीं अगर हम अपने गोल के साथ रिजल्ट्स को भी विजुअलाइज करेंगे तो उससे हमारे एफर्ट्स जो हैं और स्ट्रांग हो जाएंगे और और रेलिवेंट हो जाएंगे यहां पर एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है फोकस ऑन द आउटकम द प्रोसेस आउटकम पे फोकस कीजिए प्रोसेस पे अभी फोकस थोड़ा कम कीजिए देखिए आउटकम एंड प्रोसेस दोनों पे ही फोकस करना इंपॉर्टेंट है लेकिन जब मैं रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात कर रही हूं तो वहां पर हमारा फोकस ज्यादा आउटकम के टूवर्ड हो जाएगा रादर देन द प्रोसेस तो ये ध्यान रखना नाउ कौन से ऐसे तरीके हैं व्हाट आर द वेज जिससे हम रिजल्ट ओरिएंटेशन वाला एटीट्यूड बना सकते हैं तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं आपकी बुक में भी है आप जाइए पढ़िए फर्स्ट पॉइंट है सेट क्लियर गोल सबसे पहले गोल्स क्लियर सेट करने हैं हमको सेकेंड इज प्रिपेयरिंग एन एक्शन प्लान अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो आपको चाहिए एक एक्शन प्लान कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे थर्ड है फाइव डब्ल्यू एन वन एच फैमिली यानी कि वॉट वेन वेयर हाउ एंड वाई ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे जब आप उस गोल को अचीव कर रहे होंगे फोर्थ है रिसोर्सेज एंड टूल्स उस गोल को उस आउटकम uh, को अचीव करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज एंड टूल्स होना जरूरी है ठीक है उससे ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट इज एंड पियर्स ये भी एक वे है यानी कि जिनसे आप सीखते हो जो आपके गाइड है. है या स्टडी करते हैं वो आपके peers हो गए तो मेटोर्स एंड पियर्स के साथ नेटवर्किंग करने से भी रिजल्ट ओरिएंटेशन एटीट्यूड डेवलप हो सकता है फिफ्थ इज वर्क हार्ड मेहनत करके रिजल्ट ओरिएंटेशन एटीट्यूड डेफिनेटली आ सकता है एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक अ कैलेंडर कैलेंडर बनाइए डिजिटल हो या मैनुअल हो कैलेंडर बनाकर हम अपने गोल को अच्छी तरीके से मेजर कर पाएंगे और प्लान कर पाएंगे और एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे नेक्स्ट इज गोल सेटिंग यहां पर दो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में गोल सेट किया जा रहा है और राइट हैंड साइड की इमेज में स्मार्ट लिखा हुआ है स्मार्ट इज एन एक्रोनिम नाउ वट इज द स्मार्ट स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक एम स्टैंड फॉर मेजरेबल ए स्टैंड फॉर अचीवेबल आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड टाइमली कहने का मतलब यह है कि गोल को सेट करने के लिए हमें इन पांचों डायमेंशन को देखना होगा पहली डायमेंशन है स्पेसिफिक आपका जो गोल सेट कर रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए क्रिस्प होना चाहिए वेग नहीं होना चाहिए एम stands फॉर मेजरेबल आप जो भी गोल सेट किए हैं आपने उसको मेजर आपको करना है कि कितने टाइम में आप कितना गोल अचीव कर पा रहे हो ए यानी कि अचीवेबल अचीवेबल मतलब आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे कि नहीं और कितने टाइम में आर मतलब रियलिस्टिक रियलिस्टिक मतलब रियलिटी से कितना क्लोज है वो गोल और आप उसको पूरा होते हुए विजुलाइज कर पा रहे हैं या नहीं एंड टुवर्ड्स दी एंड टी टाइमली टाइमली मीन्स आपका गोल जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए उसमें एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है नाउ लेट्स मूव टूवर्ड सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन ओन नीड्स डिजायर है जब हम अपनी खुद की नीड्स को अपने डिजायर्स को अपने हैबिट्स को ट्रेट अपने ट्रेट्स को ट्रेट्स यानी क्वालिटीज अपने बिहेवियर यानी कि व्यवहार अपनी फीलिंग्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वो सेल्फ अवेयरनेस है सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या करना होगा नंबर वन नो योर इमोशंस हमें अपने इमोशंस को जानना होगा सेकेंड इज ट्रैकिंग योर फीलिंग्स हमें अपनी फीलिंग्स को ट्रैक करना होगा थर्ड इज एक्सपैंडिंग राइजन न्यू थिंग्स हमें नई चीजें एक्सप्लोर करनी होगी बियॉन्ड अवर फीलिंग्स वी फील राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनैलिटी वॉट इज पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी इज अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स पर्सनैलिटी एक ऐसा क्लस्टर है थॉट्स का विचारों का फीलिंग्स का और बिहेवियर्स का जो एक व्यक्ति को यूनिक बनाता है और दूसरों से अलग बनाता है उसे कहते हैं पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होते हैं मैंने ऊपर भी आपको बताया था

जब हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर और एटीट्यूड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑर्गेनाइज पैटर्न में उसको डेवलप कर रहे हैं तो वो उसे हम कहेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर टू मार्क्स के क्वेश्चन में एफ एफ एम और फाइव फैक्टर मॉडल और बिग फाइव फैक्टर्स ये तीन नाम है इस मॉडल के इस मॉडल में पांच अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं हेडिंग्स के साथ प्लस इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेमोराइज करना चाहिए याद रखना चाहिए आपको आर द बिग फाइव फैक्टर्स फर्स्ट इज ओपननेस ओपननेस मीन क्रिएटिव क्यूरियस एंड एक्टिव जब हम क्रिएटिव होते क्यूरियस होते एक्टिव होते तो उसे हम ओपननेस अपना डायमेंशन कहेंगे पर्सनालिटी का सेकेंड इज कॉन्शियसनेस जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो कॉन्शियसनेस का एलिमेंट वहां पे ज्यादा होता है थर्ड इज एक्स्ट्रा वर्जन जो लोग लाइवली होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं और एक्स्ट्रा होते हैं यानी कि लोगों से बात करने में उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती वो होता है एक्स्ट्रा वर्जन फोर्थ है अग्रीएबलनेस काइंडनेस वॉर्म एंड कंसिडरेट अग्रीएबलनेस ये एक क्वालिटी हो गई पर्सनैलिटी की एंड फिफ्थ इज न्यूरोटिसिज्म जहां पर व्यक्ति एंग्जाइटी डिप्रेसिव हो जाता है या बहुत ज्यादा चिंता करता है वरीसम हो जाता है उसे बोलेंगे न्यूरोटिसिज्म इसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी भूलने की है न्यूरोटिसिज्म तो आप इस वर्ड को अच्छी तरह से पढ़िए याद रखिए इन पांचों एलिमेंट्स को याद रखिए बिग फाइव फैक्टर्स फाइव फैक्टर मॉडल या एफ मॉडल आप इसे कह सकते हैं नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स दी एंड है चैप्टर के तो टेंडेंसी होती है कि इसको हम छोड़ दें या ना पढ़ें लेकिन यहां पे फोकस करना है पर्सनालिटी डिसऑर्डर इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेविंग दैट डिविएट्स फ्रॉम वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन एंड कॉजेज डिस्ट्रेस विच लास्ट ओवर टाइम यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक वे ऑफ थिंकिंग है सोचने का तरीका महसूस करने का तरीका और बिहेव करने का तरीका जो एक्सपेक्टेशन से अलग रहता है और इससे डिस्ट्रेस भी होता है और ये काफी प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है क्रोनिक क्लस्टर ए क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी हमें याद रखना है क्लस्टर ए में देर आर थ्री डिसऑर्डर्स पैरानॉइड स्किजोइड एंड स्कीपल क्लस्टर बी में है एंटी सोशल बॉर्डर लाइन हिस्ट्रियनिक एंड क्लस्टर सी में है अवॉइडेंट डिपेंडेंट ओसीडी जब आपको ये नाम जो है याद रह जाएंगे अब आप आपको समझना है कि ये डिसऑर्डर्स हैं क्या तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर ए जो सस्पिशियस क्लस्टर है उसमें तीन डिसऑर्डर्स डिस्कस किए गए हमारी एनसीआरटी बुक में फर्स्ट है पैरानॉइड पैरानॉइड डिसऑर्डर पैरानॉइड डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जहां पर डिस्ट्रस्ट होता है इंसान को वो ट्रस्ट नहीं कर पाता है लोगों पर और उसके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेन रहते हैं मतलब अच्छे नहीं रहते हैं खिंचे खिंचे रहते हैं परसिस्टेंट ग्रजेज होते हैं ग्रजेस यानी कि दूसरों के प्रति कुछ ना कुछ शिकायत उन्हें परसिस्टेंटली कंसिस्टेंट वे में रहती है तो वो पैरानॉइड डिसऑर्डर हो गया सेकेंड इज स्कीड डिसऑर्डर स्किजॉइड डिसऑर्डर में क्या होता है जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो बहुत इनर फोकस्ड होते हैं अपने ऊपर बहुत फोकस करते हैं और दुनिया से दुनियादारी से काफी डिटैच हो जाते हैं उनको रिलेशनशिप्स में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे स्किजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तीसरा है हैिटी डिसऑर्डर इसमें क्या होता है इसमें उस व्यक्ति को लगता है कि उसके थॉट्स बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसा अजम्पन है जबकि ऐसा होता नहीं है और वो व्यक्ति जो है वो बिहेवियर को भी मिस करता है और वो जो व्यक्ति है जिसको ये डिसऑर्डर हम कह सकते हैं ट पर्सन विल अवॉइड इंटीमेसी इन टू एनी रिलेशनशिप तो उन लोगों को हम स्किल uh, में रखेंगे क्लस्टर बी अब बात करते हैं क्लस्टर बी इमोशनल एंड इंपल्सिव इसमें हमें ध्यान रखना दे रहा हूं फोर डिसऑर्डर फर्स्ट इज एंटी सोशल एंटी सोशल डिसऑर्डर उस व्यक्ति को है जो रूल्स को डिसरिगार्ड करता है अग्रेसिव है गिल्ट बिल्कुल भी नहीं है और बहुत इंपल्सिव है ठीक है बहुत ही मतलब क्विकली रिएक्ट करना सेकेंड इज बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर में क्या है जब आपको अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं होती खत्म हो जाती है सेल्फ वर्थ सेल्फ वर्थ मीन आप अपनी वैल्यू को समझ ही नहीं रहे सेकंड इज फियर ऑफ अबैंडनमेंट आपको डर होता है कि लोग आपको छोड़ देंगे सो दैट इज बॉर्डर लाइन इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है और सेल्फ हार्म करने की भी टेंडेंसी यहाँ पे रहती है तो ये डिसऑर्डर है बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर जो कि क्लस्टर बी में आता है थर्ड है हिस्ट्री ऑनिक हिस्ट्रीऑनिक इसमें क्या होता है इस डिसऑर्डर में जिस व्यक्ति को हिस्ट्री डिसऑर्डर है वो अटेंशन सीख करेगा हर वक्त ड्रामेटिक होगा ड्रामा करेगा और क्रिटिसिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा या होगी वो मैटर नहीं करता मैटर करता है ये डिसऑर्डर क्या है हिस्ट्रियोनिक ऑनिक अटेंशन ड्रामेटिक सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड लास्ट डिसऑर्डर है इस डिसऑर्डर में उस व्यक्ति को लगता है कि वो सुपीरियर है than anybody else. Lack करता है एम्पथी दूसरों के प्रति बिल्कुल एम्पथी नहीं होती है और अपने अचीवमेंट्स को एग्जैजरेट करता है ज़्यादा ज़्यादा दिखाता है जितना नहीं भी आपने किया उससे आप कर रहे हो, तो that could be a symptom of narcissistic disorder. अब बात करते हैं क्लस्टर सी डिसऑर्डर्स की जो कि एंशियस कैटेगरी में आता है इसमें तीन डिसऑर्डर्स होंगे अवॉइडेंट डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव अवॉइडेंट में यूजुअली जिस व्यक्ति को अवॉइडेंट डिसऑर्डर है वो सोशल अवॉइडेंस होगा फियर होगा सोशल गैदरिंग्स में जाने का इंट्रैक्शन करने का सेकेंड है डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिसऑर्डर डिसऑर्डर में होता है कि व्यक्ति दूसरे पर बहुत ही ज्यादा आश्रित होता है डिपेंडेंट होता है इनसिक्योर होता है रिलायंस होता है दूसरों पर बहुत ज्यादा रिलाय करता है तीसरा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यहां पर व्यक्ति जो है रूल्स को अधेयर बहुत ज्यादा करना पसंद करता है परफेक्शनिज्म बहुत ज्यादा होता है और पर्सनल रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट करता है तो इसको हम ओसीडी भी कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यह है क्लस्टर सी के डिसऑर्डर्स अब जब क्लासेस सारे क्लासेस के डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड तो हम बात करेंगे स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी अगर इनमें से कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है सॉरी ओवरकम कैसे किया जा सकता है पहला है टॉकिंग टॉक थेरेपी भी कहते हैं जब हम बात करते हैं तो हम अपने व्यूज को अपने ओपिनियंस को फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तो यह भी एक तरीका है इस डिसऑर्डर किसी भी डिसऑर्डर को ओवरकम करने का सेकेंड है फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मेंटल हेल्थ से सो so, अगर फिजिकली बॉडी uh, सही सिचुएशन uh, में है तो डेफिनेटली हम किसी भी डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हैं तीसरा है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अच्छा होने से कोई भी डिसऑर्डर ओवरकम किया जा सकता है हॉबीज भी एक अच्छा स्टेप है अगर हम अपनी हॉबीज को परस्यू करें तो उसमें भी उससे भी काफी हेल्प होगी एंड टूवर्ड्स दी एंड चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ सेंगे प्रॉब्लम्स बार बार प्रॉब्लम्स को काउंट करने से बढ़िया लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस दैट वी हैव टू ओवरकम टर्ड्स दी एंड नाउ मैंने क्विज में एक क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ दर्सनैलिटी डिस बिलोंग्स टू क्लस्टर ए हमने तीन क्लस्टर डिस्कस की है क्लस्टर ए बी और सी इन चारों में से क्लस्टर ए में कौन सा डिसऑर्डर है बॉर्डर लाइन एंटी सोशल पैरानॉइड या हिस्ट्रीनिक दो तीन सेकेंड ले लीजिए सोचने के लिए एंड देर ओके सो आई शो यू द आंसर द आंसर इज पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैरानोइड क्लस्टर ए में था जहां पर Uh, जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होता है सस्पेक्ट करता है हर चीज को ओके ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम विथ मी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल आई एम न्यू टू दिस यू वर्ल्ड एंड आई रियली वॉन्ट योर सपोर्ट योर मेरा वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट स्किल विसिटी डॉट कॉम जहां पर आपको मेरा ब्लॉग भी मिल जाएगा थैंक यू सो मच अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग